स्टूडियंट्स, मेरे ये आउटफिट कैसा लगा जरूर कमेंट पे लिखना, क्योंकि ये भी आज की प्रेजेंट है पांडे जी की तरफ से। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फूडी बंटी बबली ब्लॉग्स। दिया, कैसे हो आप लोग? फिर से एक नया ब्लॉग लेके हाजिर हो गई हूँ। बोलिए तो, इतनी साल तक किसके लिए? आज मम्मी पापा की हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। आज हम सब बाहर पिक्चर देखने जाने वाले थे, पर मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी जुकाम हो गई, तो आज हम बाहर नहीं जा सकते थे। मम्मी तो तैयार नहीं थी, फिर भी मैं प्रेशर देकर सबको तैयार किए है। आज घर में ही सेलिब्रेट करेंगे हम तीनों, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मौसम भी अच्छी नहीं है, और इसकी तबीयत बिगड़ गई है, जुकाम आ गई है, इसलिए बाहर नहीं और घर में ही जो कुछ हम तीनों। तो आज एनिवर्सरी के दिन एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं लाया। ये छोटा सा है, एकदम पतला सा छोटा सा। तो आते हैं, देख बस लेकर। ये है क्यूटी पाई की मैगी और ये है हमारे मैगी। तो मैगी खाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सबके लिए और हमारे लिए मैगी लेकर आई है बांटी जी। तो टिफिन आज बाबली जी ने बोला है कुछ करेंगे ही नहीं, तो आज पूरा खाना मुझको ही बनाना पड़ेगा। और क्यूटी पाई बोली थी हेल्प करेंगे, पर उसकी तबीयत भी बिगड़ गई इसलिए। और मैं जो जो काम कर सकते हो, इसमें एक है मैगी, तो पहले मैगी लेकर आया गया। एक ही चम्मच है क्योंकि आज एनिवर्सरी है, तो आप खाइए। नहीं यार, हर बार हम एक ही बोल में और एक ही चम्मच से खाते हैं। पहले आप खाइए। नहीं, पहले आप पहले खाइए। ब्लॉग में और बहुत कुछ आपको दिखाना है, तो ये खत्म करके आते हैं। तो बाबली जी को आज रिंग के साथ साथ सजने धजने का एक पूरा सेट आज उनको गिफ्ट कर रही हूं। थैंक यू। तो दिखाइए इसमें क्या क्या है। क्या क्या है मुझे क्या मालूम। देखिए, काट करके देखिए। तू कट। तो अनबॉक्सिंग हो रहा है अभी। नहीं, ये इन लोगों का काम नहीं है। तो बहुत सारे मेकअप के सामान हैं। पहले एक इधर से शुरू करें। इधर से। अच्छा ठीक है। सीरम, इलास्टिक जीन्स, फास्टे फिक्सर। हाँ। और इधर है क्या है? बेस यानी प्राइमर। प्राइमर और भी बहुत सारी चीज है। ये क्या है? यहाँ पर लेखा जोखा है। जितने बहुत सारे चीज आए हैं उसका लिस्ट है इसमें। फिर एक दिन आपको इसको प्राइस लेकर बताएंगे कि कितने कम दाम में हमें ये मिला है। कैसे लगा? बहुत ही अच्छा। सिर्फ अच्छा नहीं होगा, अच्छा बोलने से काम नहीं चलेगा, अच्छे अच्छे खाना भी पकाना होगा इसके बाद। आज के लिए छुट्टी है, तो दोपहर के खाने के बाद आ रहे हैं। आने के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे वो शादी के दिन का जो तस्वीर कुछ है हमारे पास, यानी शादी वाला एल्बम। तो एल्बम दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहना। दोपहर का लंच लेकर आए हैं हम। लंच करते करते थोड़ा आपके साथ गप्पे भी करेंगे, तो हमारे साथ रहना। एक काम कीजिए। क्या? आज भी कंपटीशन हो जाए। कंपटीशन? एनिवर्सरी कंपटीशन? हाँ। ठीक है, तो हो जाए। जो जीतेगा वो सिकंदर, जो नहीं जो हारेगा वो बंदर। तो मैं बंदर, मैं नहीं किया करती हूँ। देखते हैं कौन बंदर होता है। नहीं, जो जीतेगा उसको इनाम देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो आप दे देना। आज तो आपका बोलबाला है।
लेट्स स्टार्ट। रेडी 1 2 3 एंड स्टार्ट। तो क्या क्या है इसमें? है गोभी की सब्जी, ये है बैंगन, ये है ऑमलेट, और यहाँ पर है इसको तो हम लोग मोचा कहते हैं। हाँ, बंगाली में मोचा कहते हैं, जो बनाना की ये फूल होती है ना। अब हिंदी में हम लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे क्या नाम है इसका। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। ओ ऑमलेट। हाँ ऑमलेट बोला है मैंने। तो आपको जो मेकअप बॉक्स दिखाए थे वो तो बाबूजी को नहीं बोला, आप लोगों को बोल रहे हैं कि वो पर्पल से खरीदे हैं। पर्पल का विंटर सेल चल रहा है, विंटर सेल चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा कम में मिल रहा है। तो लेकिन ये हमारा प्रमोशन नहीं है, पर्पल का प्रमोशन नहीं है, मैंने खरीदा है इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। चीज़ बहुत ही अच्छा है। एक दिन वो ब्लॉग करके दिखा देना। ये मोचा को छोड़कर सब सब्जी मैंने ही की है, क्योंकि आज बाबूजी का पूरा छुट्टी है, वो आज छुट्टी मना रहा है, तो किचन का सारा काम मेरा है आज। एल्बम दिखाओ। तो एल्बम स्टार्ट करते हैं, दिखाइए आप। इंतजार में है दोनों। क्या बोलती है आग के सामने? तो आग में जो डालते हैं उसके तस्वीर है। ये जो है ये मंगभराई की रस्म है, और ऊपर में हमारी दीदी, दो तीन दीदी है, उसके साथ मजे कर रहे हैं। ऊपर में देखिए मेरे बड़े भैया इसको आशीर्वाद कर रही है, और नीचे है मेरे ससुर मुझे आशीर्वाद कर रही है। इसमें भी बहुत सारे तस्वीर है, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसीलिए आज इतना ही। बाद में एक ब्लॉग आएगा सिर्फ एल्बम के साथ, वो प्लीज देख लेना। अच्छा, तो मुझे एक बात पूछनी। या तुम लोगों की शादी के समय सबको मेनू क्या था? मेनू सबको मेनू मतलब नहीं, मतलब मेनू अलग अलग मेनू था। ओ अच्छा, उनका जो मेनू था वो बोलेंगे। हमारे जो मेनू था समझे वो था, तो पहले आप बोलिए। हाँ, फ्राइड राइस था, उसके साथ था चिकन था, उसके साथ राधा पल्लवी और कश्मीरी दम आलू था, और चिकन था, और फिश भी था, उसके साथ रसगुल्ले थे, दही थे, आइसक्रीम थे, और पान तो ज़रूर थे, लेकिन और दो तीन आइटम और भी है जो अभी तक मुझे याद नहीं है। मेनू कार्ड है लेकिन उन्होंने इतना अच्छे से रखा है, अभी वो वहाँ से हम ढूंढ के अब तक नहीं ले पाए। जब ढूंढने से हमें मिल जाएगा आपके पास हम हाजिर कर देंगे। तो यादें करके जितना जितना आ सके वही बोला आपको। हमारे शादी में हमारे घर में तरफ से मेनू थी पुलाव, बिरयानी, चिकन एवं मटन, और साथ में जो रहता है क्या बोलती है फिश फ्राई। हाँ हाँ, फिश फ्राई था और मटन भी था, ये बोलने भूल गए हम, ये बोलने मटन भी था और फिश फ्राई भी था। फिश फ्राई, फिश कबीरा जी ने क्या बोलती है, हाँ, वो तो रहते ही है, और उसके साथ दही, रसगुल्ले, दरवेश और कालाकंद जैसी मिठाई, और फिश तो था। हाँ फिश था, फिश था, कतला, कतला फिश, हाँ कतला फिश, हमारे भी वहाँ पर कतला ही था, कतला, क्योंकि जो हर कोई मटन चिकन नहीं खाता है ना। हाँ, उसके लिए। हाँ वहाँ पर भी एक भेज का भी आइटम था। आओ, और राधा बल्लभ भी थी। हाँ राधा बल्लभ भेज का सबसे ज्यादा अच्छा आइटम तो था इसका जन्मदिन में। हाँ, जन्मदिन में अन्नप्राशन में, यानी राइस सेरेमनी में सबसे अच्छा मेनू था वो। इतने अच्छे मेनू, आप भी किसी से रास्ते में मुलाकात हो जाती है ना, वो एक ही बात बोलती है आपकी बेटी की राइस सेरेमनी में जो खाया
और कितने दिन बचेंगे नहीं मालूम, उसकी शादी में भी खानी है। एकदम सही बात है ये। बोलते हैं इतने सारे भरी में हम खाए हैं अनुष्ठान में, हाँ। पर इसके अनुष्ठान में जो खाया, इसके राइस सेरेमनी में जो हुआ, अलग ही है। तो हम सोच रहे थे एक छोटा सा क्विज हो जाए, एक क्विज हो जाए, एक जन को बोलना है दूसरा जन का पसंद क्या है, तुम क्वेश्चन पूछोगे, हमें बोलना है उनका पसंद क्या है, उनको बोलना है हमारे पसंद क्या है, और उसके बाद और आएगा वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, वो चिकन मटन या फिश कौन ज्यादा पसंद है? चिकन मटन फिश कौन? ऐसी तो तीनों पसंद है, अब ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस है मटन। वन पॉइंट उनका मिला है, आप मेरे बड़ी। अब तुम बोलो मम्मी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बिरयानी, फ्राइड राइस और हाँ दाल चावल। बिरयानी तो नहीं, वो सबसे ज्यादा अच्छा खाता है दाल चावल, दाल चावल सबसे ज्यादा अच्छा खाता है। अच्छा, वन पॉइंट, टेन बाई टेन नहीं, वन पॉइंट वन वन। अच्छा, आप क्योंकि दाल चावल मुझे बेहद पसंद है और क्योंकि वो सिंपल है, या सिंपल इज द बेस्ट। अच्छा, आप तुम बोलो कि पापा को प्ले के भीतर क्या पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन? क्रिकेट की जान है। एकदम सही आंसर, दो पॉइंट। अच्छा, आप बोलो कि तुम बोलो मम्मी का सबसे दो चीज तुम्हें सबसे दो को है भी बुरा लगता है और सबसे दो है भी जो अच्छा लगता है, अब बोलो। सबसे अच्छा जो लगता है ये पहले बोल देते हैं, बोलो। तो वो है इसको एडजस्टमेंट करने की क्षमता, वो जो है वो बहुत ही एडजस्ट कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू जो है उसका मांग ज़्यादा नहीं है। अच्छा। कि ये दो वो दो, ये देना ही पड़ेगा वो देना ही पड़ेगा, ऐसे उसका मांग नहीं है। ये इस बात से हम खुशनसीब है कि ऐसे उनका मांग नहीं है, इनके सामने ही हम बोल रहे हैं। अब है बुरा, तो बुरा जो है वो आज नहीं करना चाहिए। बुरा आज बंद है, वो द्वार बंद है, वो बाद में कभी आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज कोई खट्टा बात, तीखा बात या मसालादार बात नहीं है, आज सिर्फ बिरयानी। हमारे फ्रेंड सुनने के लिए तरस रही है, अब बोलिए, कोई बात नहीं। तो बुरा जो है वो अच्छा कभी ढाक देता है, बुरा जो है वो अच्छा का भी ढाक देता है, ये समझ लीजिए। तो हर बार अच्छे काम कीजिए, बुरा सबसे अच्छा को भी ढाक सकता है। इतने अरे, हैबिट को बोलो, जल्दी बोलो। तो इसका सबसे बुरा जो आदत है